घर पे गेस्ट आ गए हैं और बहुत ही टेंशन हो रही है कि चाय के साथ क्या सर्व करें। अरे टेंशन लेने की बात नहीं है, आज हम बनाएंगे पोटैटो बाइट्स। ये बहुत ही सिंपल है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है, तो आइए फिर फटाफट इसकी रेसिपी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे 4 उबले घिसे हुए आलू। और फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 4 से 5 कॉर्नफ्लावर। और इसको अच्छे से मिला लेंगे। चाहे शाम को चाय के साथ कुछ खाने का मन हो या घर पर गेस्ट आ रहे हो, ये बहुत ही इजी स्नैक्स हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। जब तक मैं आलू को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आलू और मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब हम ले लेंगे तेल और इसको अच्छे से हाथों में लगा लेंगे। और एक एक कर अब हम इसको शेप देंगे। ऐसे सभी को हम गोल शेप दे देंगे। अब बारी है इनको तलने की, तो तेल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे और एक एक कर इन बॉल्स को डाल देंगे। इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। अगर आपको कोई सजेशन या कुछ फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स पे हमें जरूर बताइए। गर्मा गर्म पोटैटो बाइट्स तैयार है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और अपने इवनिंग स्नैक्स तो इसको डन ही रखिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका मजा ले सके।